देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, थलसेना, नौसेना और वायुसेना अध्यक्ष, रक्षा सचिव, एनसीसी महानिदेशक और देश भर से यहां जुटे राष्ट्रभक्ति की ऊर्जा से ओत प्रोत एनसीसी कैडेट्स, आप सभी युवा साथियों के बीच जितनी भी पल बिताने का मौका मिलता है एक बहुत ही सुखद अनुभव देता है। अभी जो आपने यहां मार्च पास किया, कुछ कैडेट्स ने पैरासेलिंग का हुनर दिखाया, जो ये सांस्कृतिक प्रदर्शन हुआ वो देखकर सिर्फ मुझे ही नहीं, आज टीवी के माध्यम से भी जो लोग देखते होंगे, हर किसी को गर्व महसूस होता होगा। देश के कोने कोने से आकर आपने 26 जनवरी की परेड में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आपकी इस मेहनत को पूरी दुनिया ने देखा है। हम देखते हैं दुनिया में जिन भी देशों में समाज जीवन में अनुशासन होता है, ऐसे देश सभी क्षेत्रों में अपना परचम लहराते हैं। और भारत में समाज जीवन में अनुशासन लाने की ये बहुत अहम भूमिका एनसीसी बखूबी निभा सकती है। और आप में भी ये संस्कार जीवन पर्यंत रहना चाहिए। एनसीसी के बाद भी अनुशासन की ये भावना आपके साथ रहनी चाहिए। इतना ही नहीं, आप अपने आसपास के लोगों को भी निरंतर इसके लिए प्रेरित करेंगे तो भारत का समाज इससे मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। साथियों, दुनिया के सबसे बड़े यूनिफॉर्म यूथ और नेशन के रूप में एनसीसी ने अपनी जो छवि बनाई है वो दिनों दिन और मजबूत होती जा रही है। और जब मैं आपके प्रयास देखता हूं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, आप पर भरोसा और मजबूत होता है। शौर्य और सेवा भाव भारतीय परंपरा को जहां बढ़ाया जा रहा है, वहां एनसीसी कैडेट नजर आता है। जहां संविधान के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने का अभियान चल रहा है, वहां भी एनसीसी कैडेट दिखते हैं। पर्यावरण को लेकर कुछ अच्छा काम हो रहा है, जल संरक्षण या स्वच्छता से जुड़ा कोई अभियान हो तो वहां एनसीसी के कैडेट जरूर नजर आते हैं। संकट के समय में आप सभी जिस अद्भुत तरीके से, संगठित तरीके से काम करते हैं, उसके उदाहरण बाकी जगह पर बहुत कम देखने को मिलते हैं। बाढ़ हो या दूसरी आपदा, बीते वर्ष एनसीसी के कैडेट्स ने
मुश्किल में फंसे देशवासियों की राहत और बचाव में सहायता की। कोरोना के इस पूरे कालखंड में लाखों लाख कैडेट्स ने देश भर में जिस प्रकार प्रशासन के साथ मिलकर, समाज के साथ मिलकर काम किया वो प्रशंसनीय है। हमारे संविधान में जिन नागरिक कर्तव्यों की बात कही गई है, जिनकी हमें से अपेक्षा की गई है, वो निभाना सभी का दायित्व है। हम सभी इसके साक्षी हैं कि जब सिविल सोसाइटी, स्थानीय नागरिक अपने कर्तव्यों पर बल देते हैं, तब बड़ी से बड़ी चुनौतियों को भी हल किया जा सकता है। जैसे आप भी भली भांति जानते हैं कि हमारे देश में एक समय में नक्सलवाद, माओवाद कितनी बड़ी समस्या थी। देश के सैकड़ों जिले इससे प्रभावित थे, लेकिन स्थानीय नागरिकों का कर्तव्य भाव और हमारे सुरक्षा बलों का शौर्य साथ आया तो नक्सलवाद की कमर टूटनी शुरू हो गई। अब देश के कुछ गिनती के जिलों में नक्सलवाद सिमट कर रह गया है। अब देश में न सिर्फ नक्सली हिंसा बहुत कम हुई है, लेकिन अनेकों युवा हिंसा का रास्ता छोड़कर विकास के कार्यों में जुड़ने लगे। एक नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देने का प्रभाव हमने इस कोरोना काल में भी देखा। जब देश के लोग एकजुट हुए, अपना दायित्व निभाया, तो देश कोरोना का अच्छी तरह मुकाबला भी कर पाया। साथियों, ये कालखंड चुनौतीपूर्ण तो रहा, पर ये अपने साथ अवसर भी लाया। अवसर चुनौतियों से निपटने का, विजयी बनने का। अवसर देश के लिए कुछ कर गुजरने का। अवसर देश की क्षमताएं बढ़ाने का। अवसर आत्मनिर्भर बनने का। अवसर साधारण से असाधारण, असाधारण से सर्वश्रेष्ठ बनने का। इन सब लक्ष्यों की प्राप्ति में भारत की युवा शक्ति की भूमिका और युवा शक्ति का योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। आप सभी के भीतर भी मैं एक राष्ट्र सेवक के साथ ही एक राष्ट्र रक्षक भी देखता हूं। इसलिए सरकार ने विशेष प्रयास किया है कि एनसीसी की भूमिका, उसका और विस्तार किया जाए। देश की सीमावर्ती और समुद्र किनारों की रक्षा और सुरक्षा से जुड़े नेटवर्क को सशक्त करने के लिए एनसीसी की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। पिछले वर्ष 15 अगस्त को यह ऐलान किया गया था कि कोस्टल और बॉर्डर एरिया के करीब 250 जिलों में एनसीसी को नया दायित्व दिया जाएगा। इसके लिए लगभग 1,00,000 एनसीसी कैडेट्स को आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ट्रेन कर रही है। इसमें भी 1/3, 1/3 हमारी गर्ल्स कैडेट्स हैं। गर्ल्स कैडेट्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। इन कैडेट्स का सिलेक्शन सभी स्कूलों और कॉलेजों, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, केंद्र के हो या राज्य सरकार के हो,
सभी को इसमें शामिल किया जा रहा है। एनसीसी की ट्रेनिंग, उसकी क्षमताओं को भी सरकार तेजी से बढ़ा रही है। अब तक आपके पास सिर्फ एक फायरिंग सिमुलेटर होता था, इसे अब बढ़ाकर 98 किया जा रहा है, करीब करीब 100, कहां एक और कहां 100। माइक्रो लाइट फ्लाइट सिमुलेटर, उसको भी 5 से बढ़ाकर 44 और रोविंग सिमुलेटर को 11 से बढ़ाकर 60 किया जा रहा है। ये आधुनिक सिमुलेटर एनसीसी ट्रेनिंग की क्वालिटी को और सुधारने में मदद करेंगे। साथियों, ये आयोजन अभी जिस ग्राउंड पर हो रहा है उसका नाम फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा जी के नाम पर है, वो भी आपके लिए बड़ी प्रेरणा है। करियप्पा जी का जीवन शौर्य की अनेक गाथाओं से भरा हुआ है। 1947 में उनके रणनीतिक कौशल की वजह से भारत को युद्ध में निर्णायक बढ़त मिली थी। आज फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा जी की जन्म जयंती है। मैं सभी देशवासियों की तरफ से, आप एनसीसी के कैडेट की तरफ से उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप में से भी अनेक साथियों की ये प्रबल इच्छा होगी कि आप भारत की डिफेंस फोर्सेस का हिस्सा बने। आप सभी में वो सामर्थ्य भी है और सरकार आपके लिए अवसर भी बढ़ा रही है। विशेष रूप से गर्ल्स कैडेट्स को मैं आग्रह से कहूंगा कि आपके लिए अब ये अवसर, अनेक अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं अपने सामने भी देख पा रहा हूं और आंकड़े भी बताते हैं कि बीते वर्षों में एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स में करीब करीब 35% की बढ़ोतरी हुई है। अब हमारी फोर्सेस के हर फ्रंट को आपके लिए खोला जा रहा है। भारत की वीर बेटियां हर मोर्चे पर शत्रु से लोहा लेने के लिए आज भी मोर्चे पर डटी हुई है। आपके शौर्य की देश को जरूरत है और नई बुलंदी आपका इंतजार कर रही है। और मैं आपको और आप में भविष्य की ऑफिसर, भविष्य के ऑफिसर्स भी देख रहा हूं। मुझे याद है, मैं जब कुछ 2-2.5 महीने पहले दिवाली पर जैसलमेर की लौंगेवाला पोस्ट पर गया था, तो कई यंग ऑफिसर से मेरी मुलाकात हुई थी। देश की रक्षा के लिए उनका जज्बा, उनका हौसला, उनके चेहरे पर दिख रही अदम्य इच्छा शक्ति मैं कभी भूल नहीं सकता। साथियों, लौंगेवाला पोस्ट का भी अपना एक गौरवमय इतिहास है। 1971 के युद्ध में लौंगेवाला में हमारे वीर जाबाजों ने निर्णायक विजय प्राप्त की थी। तब पाकिस्तान से युद्ध के दौरान पूर्व और पश्चिम के हजारों किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर भारत की फौज ने अपने पराक्रम से दुश्मन को धूल चटा दी। उस युद्ध में पाकिस्तान के हजारों सैनिकों ने भारत के जांबाजों के सामने
सरेंडर कर दिया था। सन 71 की ये जंग भारत के मित्र और हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के निर्माण में भी सहायक बनी। इस वर्ष इस युद्ध में विजय के भी 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत के हम लोग 1971 की जंग में देश को जिताने वाले भारत के वीर बेटे बेटियों के साहस, उनके शौर्य, आज पूरा देश उन्हें सैल्यूट करता है। इस युद्ध में देश के लिए जो शहीद हुए, आज मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, आप सभी जब दिल्ली आए हैं तो नेशनल वॉर मेमोरियल जाना बहुत स्वाभाविक है। राष्ट्र रक्षा के लिए जीवन अर्पित करने वालों को सम्मान देना हम सभी का दायित्व है। बल्कि इस गणतंत्र दिवस को तो हमारा जो गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल है www.gallantryawards.gov.in उसको भी नए रंग रूप में रीलॉन्च किया गया है। इसमें परमवीर और महावीर चक्र जैसे सम्मान पाने वाले हमारे वीर सैनिकों के जीवन से जुड़ी जानकारियां तो है, आप इस पोर्टल पर जाकर इनकी वीरता को नमन कर सकते हैं। और मेरा एनसीसी के वर्तमान और पूर्व सभी कैडेट से आग्रह है कि आपको इस पोर्टल पे जाना चाहिए, जुड़ना चाहिए और लगातार उसके साथ एंगेज रहना चाहिए। साथियों, मुझे ये भी बताया गया है कि जो एनसीसी डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है उसमें अभी तक 20,000 से ज्यादा कैडेट जुड़ चुके हैं। इन कैडेट्स ने अपने अनुभव, अपने आइडियाज शेयर करना शुरू भी कर दिया है। मुझे विश्वास है कि आप सभी इसी प्लेटफॉर्म का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे। साथियों, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र सेवा के जिन मूल्यों को लेकर आप चले हैं उनके लिए ये साल बहुत महत्वपूर्ण है। इस वर्ष भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष में प्रवेश करने वाला है। ये वर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती का भी है। जीवन में प्रेरणा के इतने बड़े अवसर एक साथ आए ऐसा कम ही होता है। नेताजी सुभाष, जिन्होंने अपने पराक्रम से दुनिया की सबसे मजबूत सत्ता को हिलाकर रख दिया था। आप नेताजी के बारे में जितना पढ़ेंगे उतना ही आपको लगेगा कि कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं होती कि आपके हौसले को डिगा सके। देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देने वाले ऐसे अनेक वीर आपको अपने सपनों का भारत बनाते हुए देखना चाहते हैं और आपके जीवन के अगले 25-26 साल बहुत महत्वपूर्ण है। ये 25-26 साल भारत के लिए भी उतने ही अहम है। वर्ष 2047 में जब देश अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा तब आपके आज के प्रयास भारत की इस यात्रा को मजबूती देंगे। यानी ये वर्ष एक कैडेट के रूप में और नागरिक के रूप में भी नए संकल्प लेने का वर्ष है।
देश के लिए संकल्प लेने का वर्ष है, देश के लिए नए सपने लेकर के चल पड़ने का वर्ष है। बीते साल बड़े बड़े संकटों का जिस सामूहिक शक्ति से, एक राष्ट्र एक मन से हमने सामना किया, उसी भावना को हमें और सशक्त करना है। हमें देश की अर्थव्यवस्था पर इस महामारी के जो दुष्प्रभाव पड़े हैं उसको भी पूरी तरह नेस्ट नाबूद करना है और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी हमें पूरा करके दिखाना है। साथियों, बीते साल भारत ने दिखाया है कि वायरस हो या बॉर्डर की चुनौती, भारत अपनी रक्षा के लिए पूरी मजबूती से हर कदम उठाने में सक्षम है। वैक्सीन का सुरक्षा कवच हो या फिर भारत को चुनौती देने वालों के इरादों को आधुनिक मिसाइल से ध्वस्त करना, भारत हर मोर्चे पर समर्थ है। आज हम वैक्सीन के मामले में भी आत्मनिर्भर है और अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए उतनी ही तेजी के से प्रयास कर रहे हैं। भारत की सभी सेनाएं सर्वश्रेष्ठ हो इसके लिए हर कदम उठाए जा रहे हैं। आज भारत के पास दुनिया की बेहतरीन वॉर मशीन है। आपने आज मीडिया में भी देखा होगा, कल ही भारत में फ्रांस से 3 और रफाल फाइटर प्लेन आए। भारत के इन फाइटर प्लेन से मिड एयर ही रिफ्यूलिंग हुई है और ये रिफ्यूलिंग भारत के मित्र यूनाइटेड अरब अमीरात ने की है और इसमें ग्रीस और सऊदी अरब ने सहयोग किया है। ये भारत के खाड़ी देशों के साथ मजबूत होते संबंधों की एक तस्वीर भी है। साथियों, अपनी सेनाओं की ज्यादातर जरूरतों को भारत में ही पूरा किया जा सके इसके लिए भी सरकार द्वारा बड़े फैसले लिए गए। 100 से ज्यादा सुरक्षा से जुड़े सामानों की विदेशों से खरीद को बंद कर उनको भारत में ही तैयार किया जा रहा है। अब भारत का अपना तेजस फाइटर, हमारा तेजस फाइटर प्लेन समंदर से लेकर आसमान तक अपना तेज फैला रहा है। हाल में वायुसेना के लिए 80 से ज्यादा तेजस का ऑर्डर भी दिया गया है। इतना ही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वॉरफेयर में भी भारत किसी से पीछे ना रहे इसके लिए हर जरूरी R&D पर फोकस किया जा रहा है। वो दिन दूर नहीं जब भारत डिफेंस इक्विपमेंट के बड़े मार्केट के बजाय एक बड़े प्रोड्यूसर के रूप में जाना जाएगा। साथियों, आत्मनिर्भरता के अनेक लक्ष्यों को आज आप साकार होते हुए देख रहे हैं तो आपके भीतर गर्व का एहसास होना बहुत स्वाभाविक है। आप भी जब अपने में, अपने दोस्तों के बीच में लोकल के प्रति उत्साह अनुभव कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि ब्रांड्स को लेकर भारत के युवाओं की प्रेफरेंस में भी एक बड़ा बदलाव आया है। अब आप खादी को ही लीजिए, खादी को किसी जमाने में नेताओं के लिबास के रूप में ही अपने हाल पर छोड़ दिया गया, आज वही खादी युवाओं की पसंदीदा ब्रांड बन चुका। खादी के कुर्ते हो, खादी का जैकेट हो, खादी का दूसरा सामान हो, वो आज युवाओं के लिए फैशन का सिंबल बन चुका है। इसी तरह आज टेक्सटाइल हो या इलेक्ट्रॉनिक, फैशन हो या पैशन, त्योहार हो या शादी, लोकल के लिए हर भारतीय वोकल बनता जा रहा है। कोरोना के मुश्किल समय में भी भारत में रिकॉर्ड संख्या में स्टार्टअप्स बने,
और रिकॉर्ड यूनिकॉर्न देश के युवाओं ने तैयार किए। साथियों, 21वीं सदी में आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मविश्वासी युवा, ये इसकी पहली शर्त है, बहुत जरूरी है। ये आत्मविश्वास फिटनेस से बढ़ता है, एजुकेशन से बढ़ता है, स्किल और उचित अवसरों से आता है। आज सरकार देश के युवाओं के लिए जरूरी इन्हीं पहलुओं पर काम कर रही है और इसके लिए सिस्टम में हमें हर जरूरी रिफॉर्म्स भी किए जा रहे हैं। हजारों अटल टिंकरिंग लैब से लेकर के बड़े आधुनिक शिक्षा संस्थान तक, स्किल इंडिया मिशन से लेकर मुद्रा जैसी योजनाओं तक सरकार हर दिशा में प्रयास कर रही है। आज फिटनेस और स्पोर्ट्स को भारत में अभूतपूर्व प्राथमिकता दी जा रही है। फिट इंडिया अभियान और खेलो इंडिया अभियान देश के गांव-गांव में बेहतर फिटनेस और बेहतर टैलेंट को प्रोत्साहित कर रहा है। फिट इंडिया अभियान और योग को प्रोत्साहन देने के लिए तो एनसीसी में भी विशेष कार्यक्रम चलते हैं। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से भारत के एजुकेशन सिस्टम को भी प्री नर्सरी से लेकर पीएचडी तक स्टूडेंट सेंट्रिक बनाया जा रहा है। अपने बच्चों को, युवा साथियों को अनावश्यक दबाव से मुक्त करके उसकी अपनी इच्छा, अपनी रुचि के हिसाब से आगे बढ़ने के लिए माहौल बनाया जा रहा है। खेती से लेकर स्पेस सेक्टर तक हर स्तर पर युवा टैलेंट के लिए, युवा उद्यमियों के लिए अवसर दिए जा रहे हैं। आप इन अवसरों का जितना लाभ उठाएंगे उतना ही देश आगे बढ़ेगा। हमें वयम राष्ट्र जागरयाम, इस वैदिक आह्वान को 21वीं सदी की युवा ऊर्जा का उद्घोष बनाना है। हमें इदम राष्ट्राय इदम नमः, यानी ये जीवन राष्ट्र को समर्पित है, इस भावना को आत्मसात करना है। हमें राष्ट्र हिताय राष्ट्र सुखाय च का संकल्प लेकर प्रत्येक देशवासी के लिए काम करना है। आत्मवत् सर्वभूतेषु और सर्वभूत हितेरता, यानी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मंत्र के साथ हमें आगे बढ़ना है। अगर हम इन मंत्रों को अपने जीवन में उतारेंगे तो आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए भी अनेक अनेक मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।